आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले यानी कि इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले अभी हम ये जानेंगे कि आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि ये वीडियो रिमेनिंग पार्ट है प्रीवियस वीडियो का, यानी कि इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा चुका हूँ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के। आज उसके आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के अंदर सिर्फ हम चार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उस चार क्वेश्चंस के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन को मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा। तो आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से वो कनेक्ट हो रहा है, उसको देखिएगा। और उसके अलावा बाकी के बचे तीन क्वेश्चन आपका होमवर्क होंगे। तो इसका मतलब उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन कॉपी कर लेने हैं और उसे सॉल्व करना है। हालांकि उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है इस वीडियो में, बट वो एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। आपको पहले खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद फिर उसके बाद अगर मैच करता है तो ठीक, नहीं करता तो आप उसे देख के सीख लेंगे। ठीक है, ओके। नाउ इस वीडियो को देखते वक्त आपको कॉपी और पेन अपने साथ रखना है। कॉपी और पेन के साथ ही इस वीडियो को देखिएगा, वरना मत देखिए इस वीडियो, क्योंकि ये देख के सीखने वाली वीडियो नहीं है, करने के बाद ही सीख पाओगे, ये मैथमेटिक्स है। ओके, नाउ एक और बात लास्ट बता देता हूँ स्टूडेंट्स आपको कि ये वीडियो बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। तो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स इसे अच्छे से समझ पाएंगे, उनके कोर्स में आएगा, उनके एग्ज़ाम में मिलेगा। बाकी ऑफ कोर्स देख सकते हैं और बहुत सारे क्लासेस में ये टॉपिक्स है, लेकिन ये मैं फ़िलहाल जो है एक स्पेसिफिक टारगेट है हमारा कि बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को हमें बताना है किस तरीके से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पिछले वीडियो में हो चुका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है आपसे, देखिए कहता है एक कंपनी चार्जेस रुपीज 15,000 फॉर ए टेलीविजन सेट। एक कंपनी जो है वो 15,000 रुपये चार्ज करती है टेलीविजन सेट के लिए। एक टेलीविजन सेट 15,000 रुपये का है। कहता है ऑन ऑर्डर ऑफ 60 और लेस सेट, यानी कि अगर 60 या 60 से कम सेट होता है ऑर्डर किया जाता है तो वो 15,000 रुपये ही चार्ज करेगी। द चार्जेस या द चार्ज इज रिड्यूस्ड ऑन एवरी सेट, यानी कि चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ऑन एवरी सेट, हर सेट पर कम हो जाएगा बाय 100 रुपीज पर सेट, यानी कि 100 रुपये एक सेट की कीमत से चार्ज रिड्यूस हो रहा है। लेकिन कब हो रहा है रिड्यूस, कहता है फॉर ईच सेट ऑर्डर्ड इन एक्सेस ऑफ 60, यानी कि जैसे ही हमने एक्सेस ऑफ 60 60 सेट का जो हमारा ऑर्डर था उससे जैसे ही हमने एक्सेस ऑर्डर दिया, एक सेट का एक्सेस ऑर्डर दिया तो हमें 100 रुपये का डिस्काउंट मिला, ये दो सेट का हमने एक्सेस ऑर्डर दिया तो हमें 200 रुपये का डिस्काउंट मिला, तीन सेट का हमने ऑर्डर दिया तो एक्सेस यानी कि 60 से आगे तो हमें 300 रुपये का डिस्काउंट मिला। इस तरीके से हमें ये सिचुएशन दे रखी है। कहते हैं फाइंड द लार्जेस्ट साइज, आप वो सबसे बड़ी संख्या निकालिए, ऑर्डर द कंपनी, यानी कि जो कंपनी का ऑर्डर सबसे बड़े साइज का होगा वो निकालिए। शुड अलाउ सो एज टू रिसीव मैक्सिमम रिवेन्यू, ताकि उसे मैक्सिमम रिवेन्यू मिले। तो देखिए इसका आंसर तो है हमारे सामने 105, मैंने पहले लिख दिया ताकि बच्चे खुद से कर सकें इसे, लेकिन हम इसको समझेंगे पहले प्रैक्टिकली, फिर इसको हम अपने जो न्यूमेरिकल हमारा मैथमेटिकल प्रोसेस होता है उससे हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन पूरा, और फिर उसके बाद आप उसे सीख जाएंगे। तो आगे के तीन क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, इसी तरीके से आगे के तीन क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बेटा, रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो 15,000 रुपये की कीमत का एक टीवी सेट है और 60 सेट की हमने ऑर्डर किया। अगर 60 सेट का ऑर्डर आता है, यहाँ पर शॉपकीपर की बात हो रही है क्योंकि रिवेन्यू रिसीव तो शॉपकीपर करेगा। तो सपोज़ कि आप एक शॉपकीपर हैं और आपने 15,000 रुपये का एक टीवी बेचना है और 60 के ऑर्डर आए, आपके पास ऑर्डर कितने हैं 60 सेट के, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे, आपको टोटल 9,00,000 रुपए की रेवेन्यू रिसीव होगी। लेकिन जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 रुपये पर सेट पर रिड्यूस हो जाते हैं पैसे अगर 60 सेट से ऊपर का ऑर्डर आता है। तो सपोज कि आपको 61 सेट का ऑर्डर आया, यानी कि आपको किसी व्यक्ति ने, किसी कंज्यूमर ने 61 सेट का ऑर्डर दिया, तो जैसे ही 61 सेट का ऑर्डर दिया आप उसे हर टीवी सेट पर 100 रुपये का डिस्काउंट दोगे, या आपकी गाइडलाइंस में तय है।
ओके तो अभी फिलहाल 14,900 रुपीज़ का वो टीवी सेट हो गया, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9,08,900 रुपीज़ जो पिछली रिवेन्यू से ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स आपको ये सौदा फायदे का लग रहा है। जैसे ही 60 के बाद 62 यानी कि दो सेट एक्सेस, दो अलग सेट, अगर दो ज़्यादा सेट का ऑर्डर आया तो आपको 100 रुपये का और डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी कि पहले 15,000 रुपये का टीवी था, अब 200 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो 14,800 रुपीज़ आपका एक टीवी सेट का प्राइस हो गया। आप कैलकुलेटर से इन दोनों की मल्टीप्लाई कराइए तो 9,17,600 आएगा, पिछले वाले रिवेन्यू से फिर ज़्यादा आया। जैसे जैसे आप ऑर्डर बढ़ा रहे हैं, तीन सेट का ऑर्डर और ज़्यादा हो गया यानी कि 62, 63, 64, वैसे वैसे यहाँ पर आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा और आपका रिवेन्यू इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि कहाँ पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 0 रुपीज़ हो जाए टीवी सेट का, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए बढ़ते चले जाएंगे 62, 63, 64, और मैंने क्योंकि आंसर पहले ही लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, ये पीछे से देख के मैंने आंसर लिख दिया कि इसका आंसर ये आ रहा है, तो आप इसे देखिए कैसे हमें ध्यान समझ रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि 105 सेट का, जैसे 63 ऐसे 64, 65, 105 सेट अगर ऑर्डर आता है यानी कि 60 से 45 सेट ज़्यादा, तो 1500 में 4500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। 4500 रुपीज़ का डिस्काउंट मतलब 10,500 रुपये का एक टीवी सेट हो गया, और इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 11,02,500 रुपये, जो बहुत ज़्यादा है। रिवेन्यू हमारी बढ़ती जा रही है, और जैसे ही 105 सेट के बाद किसी व्यक्ति ने 106 सेट का करा, 106 सेट का ऑर्डर आते ही हमने उसे एक टीवी सेट दिया 10,400 रुपये का, जब मल्टीप्लाई कराई तो पिछली वाली रिवेन्यू से कम हो गया 11,02,400 रुपये, यानी कि 100 रुपये का हमें यहाँ घाटा हो गया। कब रिसीव हुआ? तो जैसे ही कब रिसीव हुआ, हम इस पर ट्रेडिंग करेंगे, हम क्यों आगे जाएंगे, हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं पर मैक्सिमम कर देंगे, और इसीलिए ये हमारा आंसर है। क्योंकि प्रैक्टिकली देख सकते हो 105 का ऑर्डर किया, 105 सेट का, और 10,500 रुपये का एक टीवी सेट का मूल्य है, और यहाँ पर 11,02,500 रुपये मैक्सिमम रिवेन्यू रिसीव होगी। रिसीव 9 लाख से स्टार्ट हुई थी रिवेन्यू, और अब यहाँ पर रिसीविंग बढ़ती चली गई, और 11,02,500 से ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आपने सेट का मूल्य बढ़ाया आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा और वो रिवेन्यू कम होती चली जाएगी। तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया बच्चे, यही प्रैक्टिकली आपके दिमाग में कनेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं होता है, इस वीडियो को फिर से दोबारा से देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम देखेंगे हमारा मैथमेटिक्स कैसे देखता है, क्योंकि इतना सारा करना तो बहुत कठिन है ना। इसके लिए तो मेरे पास आंसर पहले से अवेलेबल था, अब ये आंसर निकाला कैसे जाए, हाउ टू फाइंड दिस, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक प्रोसेस से करेंगे, वो ध्यान से समझना। हम सबसे पहले करेंगे लेट, और लेट क्या करने वाले हैं हम लेट करने वाले हैं कि एक्सिस, जो हमारे पास एक्सिस ऑर्डर है, ठीक है ना, एक्सिस ऑर्डर है, हम उसको लेट कर लेते हैं। एक्स टीवी सेट के ऑर्डर हमने लेट कर लिए, यानी कि 60 सेट से ज़्यादा जो है एक्स सेट आए हैं हमारे पास, एक्स मान लिया हमने उसे, ठीक है ना, एक्स यूनिट वैल्यू। ओके, तो आपको पता है कि रिवेन्यू इज इक्वल टू होता है पी इंटू एक्स, है ना, और x क्या है, ये है क्वांटिटी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन यहां पर x क्या दे रखा है, x दे रखा है एक्सिस ऑर्डर, मतलब कि यहां पर आप जो करेंगे तो p का मतलब है प्राइस, प्राइस था आपका 15,000, और क्वांटिटी जो थी वो थी 60 मल्टीप्लाई बाय ऐसे 60 करके लिख देंगे। लेकिन इसने कहा है कि x सेट एक्स्ट्रा हमारे पास आएगी, क्योंकि हमें नहीं पता एक सेट एक्स्ट्रा आएगा, दो का ऑर्डर आएगा, तीन का ऑर्डर आएगा, तो हमने मान लिया कि x एक्स्ट्रा सेट का ऑर्डर आएगा 60 प्लस x, 60 सेट बेसिक हो गया जिस पर 15,000 रुपये का एक टीवी सेट मिलेगा, और x सेट हमने उसमें और ऑर्डर दिए, तो x जैसे ही बढ़ गया यानी कि यूनिट जैसे ही बढ़ गई, यहाँ पर कम हो जाएंगे प्राइस 100 रुपये पर सेट के हिसाब से, यानी कि 15,000 रुपये में से कम हो जाएंगे 100 रुपये पर सेट। x से मल्टीप्लाई इसलिए कराइए, x की जगह 1 रखिए तो 100 रुपये कम होंगे, x की जगह 2 रखिए तो 200 रुपये कम होंगे, x की जगह 3 रखिए तो 300 रुपये कम होंगे, इस तरीके से ये मेरी रिवेन्यू की इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये नहीं बनानी आती है तो ध्यान से समझिए, सीखिए कैसे बनेगी। ये है आपके पास बेसिक रिवेन्यू का फॉर्मूला, प्राइस
पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट ये फार्मूला होता है। तो 15,000 रुपये प्राइस था, 60 नंबर ऑफ यूनिट थे, लेकिन 60 में कुछ बड़ा है, कितना बड़ा है नहीं पता, 15,000 में कुछ कम होगा वो भी नहीं पता, तो दोनों को हमने एक को एक्स एक को उसी सीक्वेंस में 100 माइनस माइनस का 100 एक्स लिखा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से इक्वेशन बने। अगर ये समझ में आ गया तो अब आपका काम है, आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रिवेन्यू है 15,000 माइनस का 100x, और यहाँ पर दे रखा है x प्लस का 60। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आप वही तीन स्टेप्स याद रखेंगे जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकंड, फिर उसके बाद इक्वल टू जीरो रखेंगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हम इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा, 15,000 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 100x का डिफरेंशिएशन 100 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। सेकेंड फंक्शन को कॉपी किया प्लस फर्स्ट फंक्शन को कॉपी किया, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 60 का 0। आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करा के तो ये संख्या आएगी, इधर सॉल्व करेंगे तो ये संख्या आएगी, टोटल ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो माइनस का 100x और माइनस का 100x माइनस का 200x, ऐसे 6,000 और 15,000 को जब सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट करके तो आंसर आएगा 4। मैक्सिमम और मिनिमम dr अपॉन dx इज इक्वल टू 0 होता है, तो इस पूरी संख्या को हम 0 के बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45। हैंस लार्जेस्ट साइज ऑफ ऑर्डर इज 45 प्लस 60। 60 का ऑर्डर तो हमने पहले ही रखना था, बेसिक था, उसमें 45 और ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 105, और यही तो हमारा आंसर है। लेकिन ये कैसे पता लगे कि मैक्सिमम रिवेन्यू होगी, तो उसके लिए हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, और दोबारा डिफरेंशिएशन के लिए हमें पहली बार डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारा, ये इसको हमने कॉपी किया देखिए, और दोबारा डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 200x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 200 और x का 1, और 9,000 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 200 आएगा जो कि नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम रिवेन्यू है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के बेस पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है जो बिल्कुल डिक्टो है, मैं नहीं कराऊंगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। लिखा हुआ है एक टूर ऑपरेटर चार्ज रुपीज 136 रुपीज, एक टूर ऑपरेटर है 136 रुपये का चार्ज करता है पर पैसेंजर, कहता है 400 पैसेंजर्स, 100 पैसेंजर्स अगर आते हैं तो 136 रुपीज पैसेंजर से चार्ज करेगा विद ए रिफंड ऑफ 4 फॉर ईच 10 पैसेंजर्स, यानी कि वो 4 रुपये वापस कर रहा है हर 10 पैसेंजर्स को इन एक्सेस ऑफ 100, और जैसे ही 100 से ज़्यादा पैसेंजर्स आएंगे तो वो 4 रुपये वापस कर रहा है हर 10 पैसेंजर्स को। यहाँ पर समझ रहे कि 10 पैसेंजर्स को 4 रुपये वापस हो रहे हैं, अगर 10 पैसेंजर्स को 4 रुपये वापस हो रहे हैं तो एक पैसेंजर को कितने वापस होंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिकली करके देखो। सपोज कि मैंने आपको 10 रुपये दिए और मैंने आपको 4 रुपये दिए और मैंने आपसे कहा ये 4 रुपये आप 10 लोगों में बांट दीजिए, तो आप कितने कितने पैसे बांटोगे। तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है, एक पैसेंजर को मिलेंगे 4/10 यानी कि 40 पैसे, एक पैसेंजर को 40 पैसे का रिफंड मिल रहा है, टिकट में 40 पैसे कम हो रहे हैं। तो इसको भी बड़ा आसानी से कर सकते हैं, रिवेन्यू इज इक्वल टू होता है प्राइस, यानी कि प्राइस इनटू में क्वांटिटी। तो आपके सामने प्राइस दे रखा है 136 रुपये और क्वांटिटी में पैसेंजर्स जाएंगे 100, लेकिन हमें क्या करना है, हमें लिखना है, हमें लेट कर लेना है कि एक्सेस जो पैसेंजर्स होंगे उसको एक्स मान लेते हैं। हम लेट करेंगे, लेट एक्स्ट्रा पैसेंजर इज इक्वल टू एक्स, हम ये लेट कर लेंगे, जरूर करना है यहाँ पर आपको लेट पहले। तो आप क्या करेंगे, आप 100 जो पैसेंजर्स थे उसमें एक्स एक्स्ट्रा पैसेंजर्स गए, तो टिकट में 136 था ना, उसमें से 40 पैसे हर पैसेंजर्स के हिसाब से टिकट में कम करने पड़ेंगे, इसका मतलब 0.4x हर पैसेंजर को 40 पैसे कम देने पड़ेंगे, जितने पैसेंजर्स ज़्यादा आएंगे उतने पैसे कम हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बन गया रिवेन्यू फंक्शन। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए और समझिए, इस क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लीजिए। अब इसके बाद का काम, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, तो ये आपका काम है बच्चों, इसे पूरा सॉल्व करके आंसर निकालिए, ठीक है। तो जल्दी से उठाइए पेन कॉपी और लग जाइए इसके आंसर निकालने में, और मैच भी करके दिखाइए।
तो आपने इस वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से सॉल्व करके निकाला होगा। आप देखिए इसका आंसर, आप इसे मैच कर लीजिए, ये इसका पूरा आंसर है। आंसर आया एक्स की वैल्यू 120 और टोटल पैसेंजर्स जाएंगे 220 और ये मैक्सिमम इस तरीके से हुआ। आपने जरूर सॉल्व किया होगा, मैंने कहा था वीडियो को पॉज करिए और फिर सॉल्व करिए, फिर वापस इस वीडियो पर आइए, तभी सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द ऑनर ऑफ अ 40 यूनिट मोटेल। जैसे होटल होता है ऐसे ही मोटेल भी होता है, रहने की जगह। 40 यूनिट मोटेल हैं, रेंट ऑल द यूनिट्स नाइटली एट 100 1000 पर नाइट। 40 यूनिट मोटेल हैं और 1000 रुपये पर नाइट का उसका रेंट है। हाउ एवर फॉर ईच ऑफ 100 पर नाइट इंक्रीज, वो 100 रुपये हर नाइट के बढ़ा देगा इन रेंट, 2 यूनिट्स विल बी वैकेंट। अगर 2 यूनिट खाली रह जाते हैं, वैकेंट का मतलब खाली, तो अगर 2 यूनिट खाली रहते हैं तो वो 100 रुपये बढ़ा देगा। अगर 1 यूनिट खाली रहेगा तो उसे कितने पैसे बढ़ाने चाहिए, 100 डिवाइड बाय 2, यानी कि उसे 50 रुपये बढ़ाने चाहिए। 1 यूनिट पर 50 रुपये बढ़ेंगे तो 2 यूनिट पर, 2 कमरों पर, कमरे होते हैं मोटल, ध्यान रखना। एक कमरा खाली रह जाता है तो मैं 50 रुपये बढ़ा दूंगा रेंट में, और अगर 2 कमरे खाली रह जाते हैं तो 100 रुपये बढ़ा दूंगा। ये बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। आपको पता है रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। इस हिसाब से प्राइस जो था पहले कितना था भाई, इन्हें कहा कि पहले प्राइस 1000 रुपये पर नाइट था और क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी थी 40 मोटल की। लेकिन इस 40 मोटल सारे के सारे ऑक्यूपाइड नहीं हुए हैं, इसमें से 40 में से कम हो गए हैं एक्स, यानी कि खाली रह गए हैं, 40 में से एक्स मोटल खाली रह गए हैं। तो 1000 रुपये जो उसका रेंट था उसमें बढ़ जाएंगे 50x, इतने रुपए चार्ज बढ़ जाएगा, प्राइस अब ये हो जाएगा, क्वांटिटी ये रह जाएगी। ओके, कहता है विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ फिलिंग दैम, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फिल्म की फिल होने की, तब जाके ये शर्त लागू होगी। कहता है हाउ मैनी यूनिट शुड बी रेंट पर नाइट एंड एट वॉट रेट ऑफ मैक्सिमाइज हिज डेली इनकम। तो आपसे दो चीज़ पूछी जाई गई है, एक तो पूछा गया है कि कितने रुपये में रेंट आउट किया जाएगा और मैक्सिमाइज डेली इनकम क्या है। रिवेन्यू आपके सामने है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, पहले डिफरेंशिएशन कराइए, इक्वल टू 0 करिए, सेकंड डेरिवेटिव कराइए और उसके बाद आपसे देखिए नेगेटिव में आएगा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए और इस क्वेश्चन का पूरा खुद से करिए, इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए और फिर हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, जब आप इसे कर लेंगे तब सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो आप मैच करिएगा आपने क्या गलती करी है, और अगर आपने छोटी सी सिली मिस्टेक्स वगैरह करी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करके बता दूंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचना है या करना है। ठीक है बेटा, ये है इसका आंसर, इस आंसर को अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इसे अच्छे से मैच कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये सारे क्वेश्चन बड़े चैलेंजिंग है फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो पढ़िए जल्दी से क्या कहता है क्वेश्चन में। कहता है स्टील प्लांट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स टन पर डे ऑफ लो ग्रेड स्टील, यानी कि एक स्टील का प्लांट है और वो लो ग्रेड स्टील एक्सटन जो है लो ग्रेड स्टील बनाता है और वाई टन जो है वो हाई ग्रेड स्टील बनाता है। मतलब ये हुआ कि एक फैक्ट्री है उसके अंदर 2 टाइप की क्वांटिटी बनती है, अलग अलग क्वांटिटी होगी, 2 टाइप की क्वालिटी है, पहली क्वालिटी है लो ग्रेड, दूसरी क्वालिटी है हाई ग्रेड, और उनकी अलग अलग क्वांटिटीज है, एक की एक्सटन दूसरी की वाई टन। ओके, यानी ये तो क्वांटिटी दे रखी है। फिर कहता है वेयर वाई इज इक्वल टू 40 - 5x / 10 - x, ये रिलेशनशिप दे रखा है एक्स और वाई के बीच में कि एक्स इतना प्रोड्यूस होगा तो वाई को इतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये उनका रिलेशनशिप ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। कहता है इफ द फिक्स्ड मार्केट प्राइस ऑफ लो ग्रेड स्टील इज हाफ ऑफ द हाई ग्रेड स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स मार्केट प्राइस लो ग्रेड स्टील का आधा है हाई ग्रेड स्टील से, ऑब्वियसली बात है हाई ग्रेड स्टील का प्राइस ज़्यादा होगा और उसका आधा प्राइस लो ग्रेड स्टील का है। कहता है शो दैट अबाउट 5 whole 1/2 tons ऑफ लो ग्रेड स्टील आर प्रोड्यूस्ड, ये शो करके दिखाना है कि लो ग्रेड स्टील जिसे एक्स बोला था कि एक्स की वैल्यू
5.5 टन है, ये एक्स की वैल्यू है, ये शो करके दिखाना है, कहता है और मैक्सिमम रिवेन्यू रिसीव करनी है। तो ध्यान से समझिएगा रिवेन्यू क्या होता है। रिवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो बच्चे ध्यान से समझिएगा कि इसने कहा है कि यहाँ पर क्वांटिटी तो दे रखी है एक्स और वाई, तो पहले एक्स लेके चलते हैं, तो एक्स लेके चलेंगे तो एक्स तो क्वांटिटी है मल्टीप्लाई प्राइस का, पता नहीं लोग्रेड स्टील का प्राइस कितना होगा, प्लस फिर दूसरे में क्वांटिटी दे रखी है आपको क्या वाई, और इसका प्राइस भी पता नहीं, तो मैं क्या करूँगा लेट कर लूँगा प्राइस ऑफ हाई ग्रेड स्टील। तो बेटा अगर हाई ग्रेड स्टील का प्राइस मैंने पी लेट कर लिया, पी कितना रुपीज लेट किया, पी लेट कर लिया, तो ये पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी इंटू वाई, इतनी रिवेन्यू रिसीव हुई भाई, इतने नंबर ऑफ यूनिट स्टील है और इतना उसका प्राइस है। और क्वेश्चन में कहा है कि जो हाई ग्रेड स्टील का प्राइस होगा उसका आधा प्राइस हाफ प्राइस लो ग्रेड का होगा, तो अगर ये पी है हाई ग्रेड तो ये कितना हो जाएगा पी बाई टू। ध्यान से समझिएगा कि रिवेन्यू, सपोज आपकी एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के अंदर लो ग्रेड स्टील ये है एक्स यूनिट का मतलब सपोज उसने कह दिया 50 टन बनाता है, और वाई ग्रेड स्टील जो है वो 60 टन बनाता है। वाई ग्रेड स्टील का जितना प्राइस है मान लो 30 रुपये प्राइस है, तो उसका आधा है लो ग्रेड स्टील का, तो ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा ना, और दोनों कंप्लीट को जोड़ेंगे तो आपकी टोटल रिवेन्यू हो जाएगी, क्योंकि आपकी ही तो रिवेन्यू है ये। अब आपको क्या करना है, पी तो कॉमन ले लेना है, बच्चे का एक्स बाई टू प्लस वाई की जगह पर वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, ये रिलेशनशिप ये रख देनी है, तो 40 माइनस का 5x अपॉन में 10 माइनस का एक्स, आपका ये फंक्शन तैयार हो चुका है रिवेन्यू फंक्शन। इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स की रेस्पेक्ट में, याद रखना पी कॉन्स्टेंट है, पी क्या है कॉन्स्टेंट, तो एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, फिर इक्वल टू जीरो करिए, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करिए, तो ये आपका काम है। जल्दी से क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और फिर उसके बाद पॉज करिए इस वीडियो को, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए इससे आगे, ठीक है, और इसका आंसर मैच करिए, ये देखिए ये इसका आंसर है, आप इसको ढंग से समझ लेंगे, ये इससे शो करने के लिए कह रहा था 5.53 का मतलब 5 वोल्ट 1/2 है ना, 5.5 होता है यहाँ पर, तो इतना टन आपकी स्टील हो गई लो ग्रेड की। किस तरीके से सॉल्व किया है, कॉशन रूल लगाया है, कॉशन रूल नहीं आता हो तो मेरा प्रीवियस पहला वीडियो देखिए बेसिक डिफरेंशिएशन का, कॉशन रूल कैसे लगता है, कैसे डिफरेंशिएशन हुआ, कैसे सॉल्व किया है ना, तो जो नहीं आता है आप उसे खुद से कर लीजिएगा, फिर भी नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव उसमें बता दिया था, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ छोड़ा, फिर दोबारा से क्वेश्चन रूल लगाया है, क्वेश्चन रूल लगा के सॉल्व किया, देन सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो इसका मतलब मैक्सिमम है, और फिर कहता है आपने प्रूफ कर दिया है, फिर कहता है आपसे कि लो ग्रेड स्टील कितना है, ये संख्या दे रखी है 5 वोल्ट 1/2 टन, और मैक्सिमम रिवेन्यू कितनी होगी, वैल्यू रिप्लेस करके पास आएगा। समझ में आया आपको, अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, अगर डाउट नहीं है क्योंकि इसमें दो आंसर्स हैं, पुट आपको ये भी करना है, इसका मतलब ये वैल्यू होती है और वैल्यू रखी तो आपका आंसर आ गया पॉजिटिव है, ओके। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट वैल्यू हो गई, जो ये पूछ रहा था उसे हमने बता दी, पूछ क्या रहा था मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन में, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो ये देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि मैक्सिमम रिवेन्यू करनी है, तो आपने जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर एक्स की दो वैल्यूज आई, ये देखिए एक एक्स की वैल्यू आई 14.47 और एक वैल्यू आई यहाँ पर, यहाँ एक तो वैल्यू ये आई है एक्स की और एक ही आई है 5.53, ये दो वैल्यूज आपके सामने एक्स की आई है। मैंने पहली वैल्यू ये रख के देखी, ये देखिए आपके सामने ये पहली वैल्यू रखी थी, यहाँ पर रखिए 5.5, और सॉल्व किया तो आपका आंसर आता चला गया नेगेटिव और मैक्सिमम, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा गया है, तो किसने मैक्सिमम किया, इसे मैक्सिमम तो इसने किया ना, ठीक है ना, और दूसरी भी तो वैल्यू आई है, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब दूसरी वैल्यू भी तो होगी आपकी, तो दूसरी वैल्यू जब रख के देखी मैंने तो दूसरी वैल्यू रखने के बाद आंसर पॉजिटिव आया, वो मिनिमम आया, और ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसे करना है। तो ये हमने आज कंप्लीट क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन मैंने कराया है और 2-3 क्वेश्चंस आपने सेल्फ प्रैक्टिस करी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, मैथ्स देखने से नहीं आती बेटा, उसे प्रैक्टिस करना होता है, तो मैंने कोशिश करी है कि आपको कैसे मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस करा पाऊँ,
ठीक है ना। तो आप कोशिश करेंगे अपनी तरफ से तो ये फिर प्रैक्टिस हो भी जाएगी। नहीं आता होगा तो मैंने बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर लेकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी डाउट आपको है मुझसे पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो बिजनेस मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स कवर करना होगा, और उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। पहले प्लेलिस्ट में जाना है, फिर बिजनेस मैथ्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए जो फोल्डर बना हुआ है इस नाम से वो फोल्डर होगा, पहले प्लेलिस्ट में जाइए, फिर इस नाम से जो फोल्डर होगा उस फोल्डर पर जाइए और वहाँ पर क्लिक करके एक एक करके वीडियो सिक्वेंसली देखते जाइए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ओके बेटा, तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।